देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आरजे न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश देश का पहला प्रदेश बना है जहां पर प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक आयोग का गठन होगा। आयोग के गठन को लेकर वल्लभ भवन ने आदेश जारी किया और गाइडलाइन भी जारी किया गया है। आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, प्रवासी श्रमिक आयोग करेगा श्रमिकों के हित और रोजगार की चिंता। मध्य प्रदेश देश का पहला प्रदेश बन गया जहां पर प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन होगा। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से राम मनोहर जी। मनोहर जी, एक बार फिर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो लॉकडाउन के पीरियड में जो श्रमिक प्रभावित हुए हैं और जो अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रमिक थे वो कार्य कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी राहत देते हुए एक आयोग का गठन किया है। ऐसा आयोग बनाने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश केवल देश का पहला राज्य होगा जहां ऐसा कदम उठाया गया है जी। और इसको लेकर एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक इस आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। समय पर जब जरूरत पड़ेगी इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। और इसके जो कार्य निर्धारित करने के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसमें खासतौर पर 2-4 बिंदु ऐसे हैं जो बिंदुओं पर सीधे तौर पर ये स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश सरकार इन श्रमिकों के प्रति कितनी जागरूक है और कितना। पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी? जी, अभी जो आदेश और गाइडलाइन निकली है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ही इनको मनोनीत करेगी और इनके मनोनीत करने के बाद ही 2 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा और एक सचिव निर्धारित किया जाएगा जी। जिनको पूर्व में जो अध्यक्षों के लिए जो वित्तीय सहायता या भत्ता वगैरह निर्धारित किया गया है उसी के आधार पर इनको सुविधाएं उपलब्ध होंगी जी।